नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र और मेरे चैनल एथलीट्स जोन में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं उन पुराने खिलाड़ियों के बारे में जिन्होंने अपने टाइम में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं और देश के लिए मेडल भी दिए हैं। तो उस टाइम तो नहीं होते थे ना प्रोटीन वगैरह, ना ही क्रिएटिन, ना ही BCAA वगैरह, बट उस टाइम भी अच्छी परफॉर्मेंस आती थी। क्यों आती थी? उस टाइम होते थे देसी चीज़ें जैसे कि सत्तू, जो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो आज का मेरा टॉपिक है वीडियो का, वो है सत्तू। सत्तू क्यों ज़रूरी है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए और जो बच्चे भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। मैं स्पेशली इन लोगों को इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन और जो हमारे भर्ती वाले बच्चे हैं, चाहे वो आर्मी की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हों, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन। अब उन्हें प्रोटीन तो लेना है ना, वर्कआउट हुआ, वर्कआउट के बाद में अगर मसल की रिकवरी करनी है तो प्रोटीन तो लेना है। तो इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ कि आप सत्तू यूज़ करें। पुराने टाइम में लोग सत्तू यूज़ करते थे, आज के टाइम में प्रोटीन्स वगैरह आ गए हैं, BCAA आ गया है, क्रिएटिन आ गया है, तो आजकल ये चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, बट उसके भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि सत्तू के क्या बेनिफिट्स हैं और वो कैसे काम करता है और उसके ऊपर रिसर्च क्या हुई हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। दोस्तों, अब हम बात करें सत्तू के बारे में। तो सत्तू को इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों में भी यूज़ किया गया और आज भी किया जा रहा है और अच्छे बेनिफिट्स के साथ यूज़ किया जा रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं अपने देश के बारे में, अपनी देश की जनता के बारे में। तो अगर हम अपने देश के बारे में बात करें तो हमारे देश में ये सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो किया जाता है बिहार में और झारखंड में, और इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो इसे अब पूरे देश में यूज़ किया जाने लगा है। और इसके इतने सारे फायदे हैं कि गर्मियों में तो ये बिल्कुल रामबन का काम करता है। अब हम बात करते हैं कि सत्तू बनता किन चीज़ों से है। सत्तू बनता है जौ, ज्वार, गेहूं, चना जैसी चीज़ों को ग्राइंड कर लेते हैं, और ग्राइंड करने के बाद में जो पाउडर फॉर्म में बनता है उसे हम सत्तू बोलते हैं। सत्तू आपको किसी भी सुपरमार्केट में आसानी से मिल जाएगा और कम पैसों में आप इसे खरीद सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि सत्तू खिलाड़ियों के लिए और भर्ती वाले बच्चों के लिए, चाहे वो पुलिस की भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आर्मी की भर्ती की तैयारी कर रहे हों, उन सभी लोगों के लिए ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट दोनों अवेलेबल होते हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे बेनिफिट्स के साथ यूज़ कर सकते हैं, जो एक एथलीट या भर्ती वाले बच्चे के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रोटीन, जो खरीद नहीं सकते हैं प्रोटीन, जिनके घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है या फिर वो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो कोशिश करें सत्तू का शरबत बना के प्रैक्टिस के 20-30 मिनट बाद पी सकते हैं। दोस्तों, गर्मियों में तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गर्मियों में ये आपकी बॉडी को ठंडक प्रदान करता है और आपके पेट को सही रखता है। जब आपका पेट सही रहेगा तो आपकी बॉडी सही रहेगी, क्योंकि वहीं से तो सारी बीमारियां स्टार्ट होती हैं। और डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि ये आपके शरीर को सन स्ट्रोक से बचाता है। तो इसलिए मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि आप सत्तू यूज़ करें। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि जब सत्तू के ऊपर रिसर्च हुई तो इंटरनेशनल फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन ने एक पेपर पब्लिश किया, और उस पेपर में उन्होंने मेंशन किया कि अगर आप 100 ग्राम सत्तू यूज़ करते हैं तो उसमें आपको 25 ग्राम प्रोटीन मिलता है। और उसी के बाद में एक मैनुअल और पब्लिश किया गया जिसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने उसमें मेंशन किया था कि जो इसकी बायोलॉजिकल वैल्यू है सत्तू की वो होती है 74। मतलब कि 74 से आप समझ सकते हैं कि सत्तू एक हाई क्वालिटी ऑफ प्रोटीन डाइट है। तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें और इसके काफ़ी सारे फायदे आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, लास्ट में आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप सत्तू खरीद तो लोगे पर उसके बाद में उसे बनाओगे कैसे। शरबत बनता है उसका, और उसका पराठे भी बनते हैं, उसकी लिट्टी भी बनती हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें बनती हैं। मैं अगर स्पोर्ट्स पर्सन के और भर्ती वाले बच्चों के हिसाब से बता रहा हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको शरबत बनाना है, और शरबत की रेसिपी आपको और भी YouTube चैनल्स पे मिल जाएंगी, आप वहाँ पे देख सकते हो। जो मैं यूज़ करता हूँ और जो मेरे साथ के स्पोर्ट्स पर्सन यूज़ करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि हम यूज़ करते हैं मीठा,
और उस मीठे में जैसे दूध में डाल के सत्तू यूज़ कर लिया या फिर सिंपल पानी में डाल के सत्तू यूज़ कर लिया, उसमें हम शुगर ऐड नहीं करते हैं क्योंकि शुगर अच्छी चीज़ नहीं है, चीनी अच्छी चीज़ नहीं है। तो इसलिए आप उसमें गुड़ डाल सकते हैं अगर आपको स्वाद चाहिए तो। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी समझ नहीं आए, तो आप मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और वीडियो को शेयर करें और मेरे को कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।